अगली कॉस्ट में बताऊंगा, ये तो आपको इन एनी केस देनी है ना, लैंड डिपार्टमेंट की 4% जो ट्रस्टी फीस भी, ट्रस्टी फीस भी आपको लाजमी देनी है। उसके बाद तीन कॉस्ट में अभी आपको बताता हूँ, ये होगी मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, बैंक प्रोसेसिंग फीस और वैल्यूएशन फीस। ये जो तीन फीस हैं, ये बेसिकली आपको अगर मॉर्गेज करवा रहे हैं तो लास्ट वीक फ्रेंड्स मैंने आपको एक अपार्टमेंट दिखाया था, 2 बेडरूम हॉल दानिया कम्युनिटी के अंदर, देआर की ये डेवलपमेंट है IMPZ के पास, लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज मैं एक और अपार्टमेंट में आया हूँ उसी कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पर बेसिकली 2 बेडरूम अपार्टमेंट लास्ट टाइम दिखाया था, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और इसके अंदर जो थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं वो ये है कि मैं आपको ऑल्दो कि इसकी प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन इसकी प्राइस के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी अपने बैंक मॉर्गेज करनी है रादर देन आप जाएं थ्रू लेट्स से डेवलपर और उसमें पेमेंट प्लान पे लें, बजाय उसके अगर आपको बैंक मॉर्गेज करनी है तो उसकी क्या कैलकुलेशन बनेगी और क्या होगा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस अपार्टमेंट का बताता हूँ। आज सलमान अगेन हमारे साथ हैं। सलमान क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा सलमान अगेन हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इस कम्युनिटी के बारे में दोबारा से आप थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मिड टाउन की लोकेलिटी सबसे ज़बरदस्त है, इसकी एंट्री एग्जिट बहुत ज़बरदस्त है, मोहम्मद बिन जायद के साथ है, स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे और पेमेंट प्लान के ऊपर है पोस्ट हैंड ओवर के साथ अप टू 4 ईयर्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 1% 1.03% मंथली इसका पेमेंट प्लान बनता है। पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको पिछली दफ़ा हम जब विजिट कर रहे थे तो आपने अमेनिटीज़ वगैरह देखी थी। हाँ। तो आज एग्जैक्टली हम उस अपार्टमेंट में जहाँ से आपको इस चीज़ का व्यू भी नजर आएगा। यार मैं बहुत ज़बरदस्त व्यू, पहले व्यू दिखाते हैं अगर आप कैमरे को लेकर आ जाएं बाहर यहाँ बालकनी के अंदर और इस बालकनी के थ्रू आप बाहर जाएं, आई होप कि आवाज़ आ जाए सही, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एक सामने स्विमिंग पूल है, एंड देन सामने यहाँ पर आपको टेनिस कोर्ट नजर आ रहा है, उसी के साइड में पूरा जॉगिंग ट्रैक चल रहा है, जॉगिंग ट्रैक बीच, बीच में आपके पास जिम इक्विपमेंट्स भी हैं छोटे छोटे छोटे, उसके अलावा आपके पास चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी बना हुआ है। अच्छा मैंने आपको क्लस्टर का बता रहा था, तो हर क्लस्टर में 6 से 7 बिल्डिंग है, तो जैसे अफनान था उसकी भी 6 से 7 बिल्डिंग है, दानिया की भी 6 बिल्डिंग है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्डिंग, मतलब हम पहली बिल्डिंग में खड़े हैं अगर नंबर्स वाइज स्टार्ट करें, सही 6 बिल्डिंग का ये एक क्लस्टर है, इसके बीच में इसकी अमेनिटीज सारी दी हुई है और ये पूरी चारों की अमेनिटीज कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही अमेनिटीज यूज करने को मिलेंगी, आप अफनान की भी यूज कर सकते हैं, आप नूर की भी यूज कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी पार्किंग से आ रहा था तो कॉमन पार्किंग है इसके अंदर, राइट? बिल्कुल, नीचे पोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम की एलिवेटेड गार्डन बना हुआ है ऊपर, तो नीचे जो है वो पूरा कनेक्टेड पार्किंग है, राइट? तो और इसके अलावा भी बाहर जो पार्किंग हमने की थी वो गेस्ट पार्किंग, वो गेस्ट पार्किंग, विजिटर पार्किंग। अच्छा नीचे थोड़ा सा इसमें अगर बैठ जाए और फिर इसके अंदर मैं अभी आपको बल्कि टूर कर लेते हैं, पहले टूर कर लेते हैं। ये यहाँ पर पाउडर वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, पाउडर वॉशरूम है, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है बाय द वे, ये 1 बेडरूम। और ये आपको बाय द वे एक चीज आपने शायद नोट की हो, जब एंटर हो रहे थे हम, अपनी ऑडियंस को मैं बताऊं कि जब हम एंटर हो रहे थे तो 2 बेडरूम अगर अपार्टमेंट की आप थोड़ा सा वो देखेंगे ना वीडियो, तो उसमें आपको लगेगा कि शायद वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं था, उसका रीजन ये था कि इसमें जब आप एंटर होते हैं इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जब आप एंटर होते हैं तो, और ये बाय द वे आई थिंक ये नहीं होगा इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है, बट आप इसको लगा, ये एज अ कॉन्सेप्ट है कि आपको जाहिर सी बात है लोगों को कंजेस्टेड लगता है, राइट? तो अगर आप इस तरीके की डेकोरेशन करेंगे तो बिल्कुल, ये एक आइडिया बहुत अच्छा है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड नहीं है और जो जो चीजें हैं नहीं है वो सारी चीजें यहाँ पर बाय द वे लिखी हुई है। ये क्लोजेट इंक्लूडेड होगा, ये क्लोजेट इंक्लूडेड है, ये बेसिकली वही जिस तरह हमने 2 बेडरूम में देखा था, एक वॉशिंग एरिया था ऊपर, स्टोरेज थी, right. ये इंक्लूडेड है, साथ में इसके ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, राइट? ये बार काउंटर अवेलेबल नहीं होगा, हाँ, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, सही। साथ ही आपका लिविंग स्पेस और वही डाइनिंग स्पेस। अच्छा मैं वही बात कर रहा था कि 2 रीजंस की वजह से ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, हमने MR की जब की थी ना वीडियो उसके अंदर भी वो एंटर होते ही हमें बड़ा लगा था, उसका रीजन ये था कि एक तो ओपन किचन है और दूसरा ये कि ये जो मिरर लगा हुआ है और फिर हमें एक फील आती है जब आप शीशों की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि बाहर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये डिजाइन की वजह से बहुत सारी चीजें आप जो है ना उसके अंदर अपने डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर इस अपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर ये बालकनी थी जो हमने देखी थी अभी, उसके बाद अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो ये पाउडर, हमने पाउडर रूम देखा था और सामने हमें एक बेडरूम मिलेगा, वो जो बेडरूम है, यस ये मास्टर बेडरूम है। अच्छा इस बेडरूम के अंदर 2 वॉशरूम्स हैं टोटल इस अपार्टमेंट में, 1 बेडरूम के हिसाब से 2 बेडरूम हैं, 2 वॉशरूम हैं और यहाँ पर एक बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी यहाँ पर, मैं अभी बल्कि सलमान से बात कर ही रहा था
कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो दुबई के अंदर आपको अब जितने भी डेवलपर्स हैं वो बड़े अपार्टमेंट्स की तरफ नहीं जा रहे, वो उनकी अपार्टमेंट की जो साइजेस हैं वो थोड़े से छोटे होते जा रहे हैं, और ये अराउंड द स्पेस आपको इस तरह से मिलेगा। कुछ हैं जो फिर बड़े होते हैं तो फिर उनकी प्राइसेस भी उसी तरह से होती हैं। जो उसका मुझे रीज़न समझ में आता है, अगर आप पैन कर सकें दोबारा कैमरा बाहर की तरफ तो आपको जो व्यू नज़र आएगा यहाँ पर वो आपको नज़र आएगा कि कम्युनिटी है। तो जो कम्युनिटी होगी उसके अंदर आपको घर के अंदर, इनका कहना यह है कि भाई आप घर के अंदर कम रहें, आप बाहर देखें ज़रा, बाहर ज़्यादा देखें, और इस वजह से आपको अंदर की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन मिलती है साइज़ के हिसाब से। जो कि मैंने सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने इवन इमार के अंदर भी इतने बड़े अपार्टमेंट्स नहीं मिलते। मतलब ये अपार्टमेंट तो प्राइस इसकी आप बता दें अगर कि ऑलमोस्ट क्या रेंज मिल सकती है हमको? ये रेंज स्टार्ट होती है 750 से 900,000 के बीच। अच्छा, ये वॉशरूम है इसका, ये बिल्ट इन क्लोज़ेट है। अच्छा, 750 से 900,000 के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन द साइज, 654 साइज से स्टार्ट हो रहा है और गोज अप टू 900 स्क्वायर फीट, राइट। अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, देखें अभी आपने जो डिस्कशन की कि कम्युनिटी लिविंग की तरफ, सारी जितने भी डेवलपर्स हैं वो कम्युनिटी लिविंग के ऊपर अपना फोकस रखते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होता है घर के अंदर का, जो लेआउट होता है वो उसको उसी हिसाब से लगाते हैं कि बस एटलीस्ट आपका एक बेड आ जाए, आपके क्लोजेट्स हो और आपके पास थोड़ा सा स्पेस हो, राइट। अब जो हम एशियंस हैं वो थोड़े से बड़े कमरों की तरफ ज्यादा होते हैं कि हमारे पास कमरे में ही सारी चीजें आ जाएं, लेकिन वही वाली बात है कि आप जब कम्युनिटी लिविंग को देखेंगे तो आपका दिल जाएगा आप बाहर जाएं और बाहर जाके उसको कम्युनिटी की फील लें प्रॉपर, सही। तो इस वजह से आपको जो साइजेस के इशू, मतलब ये ऐसा साइज नहीं है कि इसमें रहा ना जाए, इट्स मतलब एक कपल के लिए अच्छा है, सिंगल बंदे के लिए भी अच्छा है, उसके बाद अगर फैमिली एक्सटेंड होती है तो ऑफ कोर्स आप इसके अंदर नहीं रह सकते, लेकिन ये वन बेडरूम है। और आपने जो प्राइस बताई इसकी जी, वो है 650 से लेके 900,000 के बीच, सही है। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद ये था कि मैं आज आपको बताऊं, ये तो पेमेंट प्लान पे भी ले सकते हैं, मैंने टू बेडरूम का भी बताया था कि उसका पेमेंट प्लान किस तरह से है, लेकिन अगर आप पेमेंट प्लान के बजाय आप इसको मॉर्गेज करना चाहते हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन आज थोड़ा सा बताएंगे। ऑल्दो के मतलब ये लेट से 900,000 दिरहम तक का मैक्सिमम की तरफ जाता है, लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाइड करना चाहूँ तो कोई अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो आजकल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर क्या कैलकुलेशन बनेगी, वो आज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर हम एक डिस्कशन करते हैं कि फर्ज करें कोई प्रॉपर्टी है जो 1 मिलियन की कॉस्ट कर रही है, ये प्रॉपर्टी तो खैर नहीं है 1 मिलियन की, इसमें एट मैक्स 900,000 दिरहम्स और मिनिमम 750 दिरहम, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले जो टू बेडरूम वाली वीडियो है वो ज़रूर जाके देखिएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी और डिटेल्स भी मिलेंगी इस कम्युनिटी के बारे में और ये किस तरह से है, बल्कि मैं आपको इसमें थोड़ी सी रॉ फुटेज जो पीछे होंगी वो भी दिखाऊंगा, जो हम नीचे वॉक करते वक्त हमने बनाई थी, और इसके अलावा इसके जो कॉमन एरियाज़ हैं उसकी भी मैं इसके अंदर भी लगा दूंगा। अच्छा, अब जो इस वीडियो का मकसद है वो एक आइडिया देना कि आपको, वैसे इसको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये हर बंदे का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अगर आपको बैंक मॉर्गेज करना है 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे सलमान ने मुझे थोड़ा सा फीडबैक लेके दिया था, एक जो रियल्टर था, सॉरी जो मॉर्गेज कंसल्टेंट था, उससे हमें एक फीडबैक मिला था, उसमें जो प्रॉपर्टी की वर्थ, अगर हम उनको बोलते हैं कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी हमें देखनी है तो 1 मिलियन प्रॉपर्टी के लिए हमें डाउन पेमेंट 20% करनी पड़ेगी, तो 200,000 दिरहम आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद उसकी जो मॉर्गेज है वो तकरीबन 800,000 दिरहम्स की आपको मॉर्गेज करनी पड़ेगी, जो बैंक फाइनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो वेरिएबल रेट आजकल जो चल रहा है वो 4.35 के करीब का चल रहा है, वो आपको समवेयर बिटवीन 3.5 to 5% के करीब आपको मिल सकता है। हम इसको 4.35 इसलिए ले रहे हैं कि ये एक नॉर्मल बंदे का ऑलमोस्ट यही कोई फिट बैठ रहा होता है। इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, लेकिन मैं अगर अज्यूम करूं कि मैं 10 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है कि मैं 10 साल से बियॉन्ड सोचता भी नहीं हूं ज़्यादा करने का, चाहे कोई भी इसकी कैलकुलेशन बने, लेकिन 10 साल के लिए अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं 4.35 के ऊपर वेरिएबल रेट लगते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि आपको फिक्स रेट वेरिएबल रेट इसके अंदर क्या डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ताकि आप आराम से अपना डिसीजन ले सकें, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अंदर 4.35 वेरिएबल रेट रखते हैं 10 साल के लिए, और मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जो बनेगी, कैलकुलेटर मल्टीपल कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 8,223 दिरहम्स आपको इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी। अब उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट पता चल गई कि ये बन रही है, और इसके अंदर जो शुरू में आपने 2 लाख दिरहम लेट्स से 20% डाउन पेमेंट के करने थे वो आपने कर दिए, इसके अलावा आपको और क्या क्या पे करना है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि दुबई में अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं और कहीं भी आप दुनिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर ले रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी
लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको ऑलमोस्ट अपने पास 5% के करीब यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके पास हाथ में होने चाहिए ताकि वो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें आप दे सकें। दुबई के लिए आप समवेयर बिटवीन 7-8% के करीब आपको अपने हाथ में रखने चाहिए। अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो 70-80 हज़ार दिरहम आपके हाथ में होने चाहिए। उसका ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ। उसका ब्रेकडाउन इस तरह से है कि लैंड डिपार्टमेंट के आराम से 4% आपके चले जाएंगे। 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, लैंड डिपार्टमेंट जो टाइटल डीड रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होगी सॉरी उसके अंदर 40,000 दिरहम्स का आपका एक्सपेंस पड़ रहा होगा। फिर ट्रस्टी फीस होती है उसमें। ये ट्रस्टी फीस एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? 4,200 दिरहम्स की जो बेसिकली लैंड डिपार्टमेंट ने जो है ना ट्रांसफर ऑफिस बनाए right. जहाँ पर जाके आप अपनी इजीली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑफिस को ट्रस्टी ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, वो ऑथराइज्ड होते हैं। ऑथराइज्ड मतलब के लैंड डिपार्टमेंट के चैनल पार्टनर्स होते हैं और वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंड डिपार्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये उनकी पर्टिकुलर फीस होती है। सही है। अच्छा, तो इसमें मैं एक चीज़ और कह रहा था कि जो अब अगली कॉस्ट में बताऊंगा, ये तो आपको इन एनी केस देनी है ना, लैंड डिपार्टमेंट की 4% जो ट्रस्टी फीस भी, ट्रस्टी फीस भी आपको लाजमी देनी है। उसके बाद 3 कॉस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। ये होगी मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, बैंक प्रोसेसिंग फीस और वैल्यूएशन फीस। जो 3 फीस हैं ये बेसिकली आपको अगर मॉर्गेज करवा रहे हैं तो देनी है। अगर आप मॉर्गेज नहीं करवाएंगे तो आपको वैल्यूएशन आप करवा लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ना भी करवाएं तो कितना मसला नहीं, क्योंकि आप तो खुद अपनी प्रॉपर्टी ले रहे होंगे, बैंक को उससे तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसी के साथ बैंक प्रोसेसिंग फीस 1% दिखा रहा है इसके अंदर, तो वो भी आप क्योंकि बैंक से ले रहे हैं तो आपको लेना करना पड़ रहा है। इसके बाद मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन फीस 200 लेट से जो भी फीस आती है 2790 मुझे बताई गई है, तो वो भी आपको जब ही लेनी पड़ेगी जब आप बैंक से इसके अंदर डील कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और फीस होती है, मॉर्गेज कंसल्टेंट की फीस भी होती है। कुछ लोग मॉर्गेज कंसल्टेंट भी करते हैं। बिल्कुल, वो भी अप्रोक्सीमेटली आप समझ लें वो डिपेंड करता है कि वो 3-5 हज़ार दिरहम के बीच में राइट वो कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। तो आप ये समझ लें ऑलमोस्ट कोई 1.5-2% के करीब आपकी उस वक्त फीस लग रही होती है ये टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की अगर आप बैंक मॉर्गेज पे जाते हैं। अगर बैंक और मॉर्गेज पे नहीं जाएंगे तो आप ये कैश पे करेंगे तो आप समझ लें कि आपकी मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन फीस बच जाएगी जो कि 2009 ऑलमोस्ट 800 दिरहम के करीब मुझे नजर आ रही है। बैंक प्रोसेसिंग फीस ऑलमोस्ट 1% के करीब है जो कि प्रॉपर्टी वैल्यू के होगी और वैल्यूएशन फीस तकरीबन 3,500 और अगर मॉर्गेज कंसल्टेंट लेते हैं वो भी 4-5 हज़ार दिरहम, तो आपके तकरीबन कोई 1.5-2% के करीब ही आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है। उसके बाद सलमान पैसे लेंगे थोड़े से आपसे, वो रियल एस्टेट एजेंट है तो वो आपसे 2% के करीब फीस होती है। वैसे ये कुछ मैंने देखा है कि इसमें वेरिएबल होता है, कभी कभी वो 1% भी होती है, 1.5-2%, ये डिपेंडिंग ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये आप कर सकते हैं जब भी कंसल्टेंट के पास जाएं, और अगर आप हमारे रेफरेंस से जाएंगे तो सलमान आपको डेफिनेटली डिस्काउंट भी देंगे। तो इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी मॉर्गेज कंसल्टेंट हो या रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो वो बहुत मार्केट को उसने समझा हुआ हो। आप ये 2% इसको ज़्यादा ना समझें, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा आपको 2% की जगह 1% ले ले लेकिन आपको नुकसान करवा दे। वो मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ, इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में भी बात की है कि मेरे एक दोस्त ने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू गए, उसको सिर्फ उन्होंने ये देखा कि वो 1% फीस चार्ज कर रहा है लेकिन वो ये नहीं देखा उन्होंने कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी वो ऑलरेडी कोई 1.5 लाख दिरहम एक्स्ट्रा दे के खरीदी थी। तो ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 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 प्रॉपर्टी एजेंट है वो आपको सही गाइड करे और वो सही चीज़ दिखाए ताकि आप इस तरह के नुकसान से बचें जो कि आपको लग रहा है 1-2% ये इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हिट लगती है कॉस्ट की वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को देखूं तो मुझे जो लगता है ये मैं हमेशा कहता हूं 6.5-8% के करीब ये आपकी कॉस्ट लगती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसमें वेरिएबल फैक्टर्स भी आते हैं आपके इंटरेस्ट रेट, हाँ इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये होता है कि अगर आपकी अपनी जो वर्थ है या लेट से आपकी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री है वो डिपेंड करता है, आपका जो डेवलपर है वो कौन से डेवलपर में आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी वो उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये कि आपकी जो करंट सिनेरियो है जो आपकी लेट से इसके अलावा आपने एक और चीज़ बताई थी मुझको कि जो फैक्टर करेगी लेट से मॉर्गेज के लिए आपके देखे जाते हैं, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री, कोई कार लोन, कोई आपके एग्जिस्टिंग लोन, बाय द वे अगर आप सेकंड मॉर्गेज ले रहे हैं तो वो आपकी मॉर्गेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनल लेवल के ऊपर आते हैं। तो आपको मैं ये कैलकुलेशन बता तो रहा हूँ लेकिन ये हर चीज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। मैं जो इस पूरे सिनेरियो में देख रहा था तो ये टोटल आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 8,230 दिरहम बन रही है। तो आप ये समझिए कि अगर ये आप बॉल पार्क फिगर ले लें कि अगर आपके 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके पास 7% के करीब आपके पास कैश होना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 20% आपके पास कैश होना चाहिए जस्ट टू पे द डाउन पेमेंट। तो आप 270,000 दिरहम्स आपके पास कैश होना चाहिए कभी भी 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी 1 मिलियन की नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
फिर उसके बाद आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने के लिए, इसमें हमने इंश्योरेंस शामिल नहीं किया बाय द वे, इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं और करवा लेनी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस इसमें शामिल नहीं, वो इतनी एक्सपेंसिव होती भी नहीं है। 8,200 या 8,300 दिरहम की आपकी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी पर मंथ फॉर द 10 ईयर्स। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन नहीं पता होती है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो सलमान, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, आप इस तरह की हेल्प आउट करेंगे किसी को अगर आपको आता है? अगर कोई मॉर्गेज के हवाले से कोई किसी किस्म की भी कोई भी कंसल्टेशन चाहिए और उसको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री का पूरा मालूम करना है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रोसीजर होता है, हम उसमें भी गाइड करेंगे कि वो किस हद तक एलिजिबल है और वो क्या है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसीजर है। आप अगर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले आपको प्री अप्रूवल्स लेके उसके बाद आप प्रॉपर्टी सर्चिंग के लिए जाते हैं। तो प्री अप्रूवल जो होता है ये एक सॉलिड मतलब एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आप एलिजिबल है प्रॉपर्टी, कोई आपको सीरियस लेगा। बिल्कुल, तो अगर आप मार्केट में प्री अप्रूवल के साथ उतरेंगे ना, तो आपको फिर बायर भी इंटरटेन करेगा, आपके साथ नेगोशिएशन भी करेगा उसी बेस पे कि आपके पास प्री अप्रूवल है। और प्री अप्रूवल बगैर किसी कॉस्ट के मिल जाती है, राइट? प्री अप्रूवल बगैर किसी कॉस्ट के मिल जाती है। उसके लिए आपको अपनी सारी चीजें हमसे डिस्कस करनी पड़ेंगी, जो जो हमारे क्वेश्चन है उसके, जाहिर सी बात है हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सब चीजें आप हमारे साथ शेयर करेंगे। हम आपकी पूरी एक प्री अप्रूवल जो इनिशियल अप्रूवल कहलाती है वो हम आपको देंगे, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर अमाउंट की प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर। राइट, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, सलमान की और सर्विसेज हैं, इनकी जो कंपनी है वो मैनेज सर्विसेज भी करती हैं रियल एस्टेट की, तो अगर आपको कभी यूएई से बाहर हैं तो उसके अंदर भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ लास्ट वीडियोज़ जो हमने बनाई थी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी दुबई की, उसके उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।